हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए, सबसे पहले तो एपी है कि नहीं है वो देखना है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी फॉर्म करता है, और अगर वो एपी फॉर्म करता है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और 3 नए टर्म्स फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद के सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है एंड सो ऑन। सो हम क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 देखेंगे, A3 माइनस A2 देखेंगे और A4 माइनस A3 देखते हैं। चलो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एपी फॉर्म कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं कर रहा है, क्यों? बिकॉज A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंज इट डज नॉट फॉर्म AP। ओके, इजी, ठीक है। सेकेंड है 2, 5/2, 3, 7/2। सो मतलब 5/2 माइनस 2 करो तो 5 - 4/2 तो 1/2, ठीक है। 3 - 5/2 करो तो 6 - 5/2 मतलब कि 1/2, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब और नए टर्म्स फाइंड करने हैं, तो और नए टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? तो A4 तक तो है, तो A5 कैसे करेंगे? A4 प्लस डी मतलब कि 7/2 प्लस 1/2 मतलब कि 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद A6 होगा, A6 कैसे होगा? A6 होगा A5 प्लस डी, A5 है 4 प्लस 1/2 मतलब कि 8 प्लस 1/2 मतलब कि 9/2, राइट। उसके बाद है A7, A7 कैसे फाइंड करेंगे? A6 प्लस डी, तो 9/2 प्लस 1/2 मतलब 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये और नए 3 टर्म्स कौन से? 4, 9/2 एंड 5, ओके। नेक्स्ट थर्ड है, इजी है, इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आगे जाके आगे की एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत ना हो। -1.2 है, -3.2 है, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3.2 माइनस ऑफ -1.2 मतलब -3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू -2, ओके। फिर -5.2 माइनस ऑफ -3.2 विच इज़ इक्वल टू -5/2 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू अगेन -2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है। तो मतलब AP फॉर्म कर रहा है, तो 4 दिए हुए हैं, सो A5 विल बी वॉट? A4 प्लस डी मतलब कि -7/2 -2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -9.2। A6 क्या होगा? A5 प्लस डी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है। -2 तो ये होगा 11.2। देन A7, तो A6 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू -11.2 -2 विच इज़ इक्वल टू -13.2। फोर्थ, फोर्थ है -10। माइनस देख के ना टेंशन नहीं करना है,
ऐसा हो तो एक स्टेप ज़्यादा ले लो, लेकिन करो ठीक है, आराम से करो। देखिए माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस टेन, माइनस सिक्स प्लस टेन विच इज़ इक्वल टू फोर, माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस टू, ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स मतलब कि माइनस टू प्लस सिक्स मतलब कि फोर, देन होगा टू माइनस ऑफ माइनस टू विच इज़ इक्वल टू टू प्लस टू विच इज़ इक्वल टू फोर, तो इट फॉर्म्स ए पी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया, फोर है। सो ए फाई क्या होगा, ए फोर प्लस डी, मतलब कि ए फोर क्या है, ए फोर है टू प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू सिक्स, ए सिक्स क्या होगा, ए फाइव प्लस डी मतलब कि सिक्स प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू टेन, राइट। और ए सेवन क्या होगा, ए सेवन होगा ए सिक्स प्लस डी मतलब कि टेन प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू फोर्टीन, ओके। फिफ्थ, फिफ्थ है थ्री, थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री मतलब कि रूट टू आया, ठीक है। फिर थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, मतलब ये थ्री माइनस थ्री तो क्या हो गया, ज़ीरो, और टू माइनस वन रूट टू को एक्स जीरो, तो टू एक्स माइनस एक्स क्या होगा, एक्स अगेन, ठीक है, मतलब कि रूट टू, ओके। थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री थ्री तो कैंसिल हो गया, थ्री माइनस टू क्या होगा, वन, मतलब कि रूट टू, मतलब कि डी इज इक्वल टू वॉट, रूट टू, ठीक है। अब देखिए ए फाई क्या होगा, ए फाई होगा ए फोर प्लस डी, ए फोर है थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस डी है रूट टू, तो मतलब थ्री प्लस फोर रूट टू, ठीक है। फिर ए सिक्स क्या होगा, ए सिक्स है ए फाई प्लस डी, ए फाई है थ्री प्लस फोर रूट टू और डी है रूट टू विच इज़ इक्वल टू थ्री प्लस फाइव रूट टू। रूट टू एक वेरिएबल है यहाँ पे, मतलब लाइक टर्म्स बनाता है, ठीक है, तो उसको लाइक टर्म्स की तरह से कंसीडर करके फिर करना है प्लस रूट टू, तो ये होगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू, ओके। सिक्स है ज़ीरो पॉइंट टू, ज़ीरो पॉइंट डबल टू, ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल टू, ज़ीरो पॉइंट फोर टाइम्स टू एंड सो ऑन। एक पैटर्न तो बनती है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न से काम नहीं लगता, ये प्रॉपर सीक्वेंस भी होना चाहिए। तो ये होगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू, ठीक है। फिर ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल टू माइनस ज़ीरो पॉइंट, वो होगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू, तो इट डज नॉट फॉर्म ए पी, ओके। सेवेंथ, सेवेंथ है ज़ीरो माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन। सो माइनस फोर माइनस ज़ीरो माइनस फोर होगा, माइनस एट माइनस ऑफ माइनस फोर माइनस एट प्लस फोर, तो ये होगा माइनस फोर, देन माइनस ट्वेल्व माइनस ऑफ माइनस एट मतलब कि माइनस ट्वेल्व प्लस एट विच इज़ इक्वल टू माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज़ माइनस फोर। सो ए फाइव होगा ए फोर प्लस डी,
ए फोर है -12 -4 मतलब कि -16। ए सिक्स है ए फाइव प्लस डी मतलब कि -16 -4 मतलब कि -20। देन ए सेवन होगा ए सिक्स प्लस डी मतलब कि -20 -4 वो होगा -24। नेक्स्ट -1/2 -1/2 -1/2 तो ऑब्वियसली ये तो क्या होगा, देखो ए टू माइनस ए वन क्या होगा, ज़ीरो। फिर ए थ्री माइनस ए टू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे टर्म्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो ए फाइव क्या होगा, ए फोर प्लस डी, तो डी तो मेरा ज़ीरो है तो वो भी क्या हो जाएगा, -1/2 ही होगा। उसी तरह से ए सिक्स भी -1/2 और ए सेवन भी -1/2। ओके, अब देखिए 3-1 तो 2 है, 9-3 है 6 है, तो ये दोनों सेम नहीं है तो नॉट फॉर्म एन ए पी। सो देखिए 2a-a क्या है, a। फिर 3a-a क्या है, a। 3a-2a है। फिर 4a-3a क्या है, a है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, a। सो a फाइव क्या होगा, ए फोर प्लस डी मतलब कि 4a+a जिसको हम 5a कहेंगे। ए सिक्स है ए फाइव प्लस डी दैट इज़ 5a+a विच इज़ 6a। एंड ए सेवन इज़ ए सिक्स प्लस डी मतलब कि 6a+a मतलब कि 7a। ओके, ओके अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए मतलब ए इंटू ब्रैकेट ए माइनस वन, बाद में ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ए माइनस वन, उसके बाद ए रेस टू 4-a³, तो ए क्यूब कॉमन निकलेगा और ए माइनस वन। सो इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी। ओके, देखिए √8-√2, तो √8 को मैं 4 × 2-√2, तो 2√2-√2 तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अकेला √2 रहेगा। उसके बाद है √18-√8, √18 को मैं 9 2 कर लूँगी, माइनस ये होगा 4 × 2, तो ये होगा 3√2-2√2 मतलब कि ये होगा √2। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या होगा, 16 2 32 और ये अगेन होगा 9 2 मतलब कि 4√2-3√2, तो मतलब ये √2 हुआ। तो डी क्या हो गया आपका, डी आपका हो गया √2। ठीक है, तो अब देखिए ए फाइव क्या होगा, ए फोर प्लस डी, तो ए फोर क्या है, ए फोर है √32 प्लस डी है √2। अब √32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 4√2+√2 मतलब कि 5√2 हुआ। या तो फिर सिंपल है ये 5√2 मतलब कि 25 अंदर जाएगा, तो 25 2 √50 हो जाएगा ये, अगर क्वेश्चन के सिंबल क्वेश्चन के उसमें लिखना है तो। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट होगा ए सिक्स, तो ए सिक्स होगा ए फाइव प्लस डी, तो ए फाइव को अभी मैं 5√2 ही लिख देती हूँ और प्लस √2 तो मतलब 6√2 हुआ। और ए सेवन होगा ए सिक्स प्लस डी मतलब कि ए सिक्स है 6√2+√2 तो मतलब 7√2। ठीक है, तो बस इस हिसाब से करना है आगे। और अगर आपको सीक्वेंस में जो आंसर दिए हैं उसमें लिखना है तो इसको 36 को अंदर लेके जाओ, तो 36 2√72 हो जाएगा और ये 49 2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, तो आप इस तरीके से मतलब ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस के फ्लो में लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो वो 25 हो जाएगा, इसलिए तो हमने 5 को बाहर डाला था, 25 था इसीलिए। पे तो कुछ हो नहीं सकेगा क्योंकि रूट 6 माइनस रूट 3, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 ऐसा कर सकती हूँ, रूट 3 कॉमन तो रूट 2 माइनस 1, मतलब जितना इजी हो सके उतना मैं कर लेती हूँ इसके अंदर। ये रूट 3 इंटू रूट 3 होगा इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 3 अगेन कॉमन तो रूट 3 माइनस रूट 2, मतलब कि डी आपका नहीं हो रहा है, सो इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी। ओके, अब देखिए ये 3² - 1² मतलब कि 4 - 3² मतलब कि 9 - 1 तो ये 8 हुआ, फिर 5² - 3² मतलब कि 25 - 9 तो ये 16 हुआ। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी। ओके, अब ये देखिए 5² - 1² मतलब कि 25 - 1 विच इज़ इक्वल टू वॉट 24, फिर 7² - 5² मतलब कि 49 - 25 तो ये हुआ 24, तो डी क्या हुआ, डी इज 24। ठीक है, सो ए फाइव क्या होगा, ए फाइव होगा ए फोर प्लस डी, ए फोर है 73 प्लस डी है 24, सो इट्स 97। ए सिक्स होगा ए फाइव प्लस डी मतलब कि 97 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू होगा 121, जिसको हम 11² ऐसे फ्लो में लिख सकते हैं। फिर ए सेवन, ए सेवन होगा ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स है 121 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 145, उसको तो ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।